दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आपके पास भी आपके बैंक से या फिर जहां पर आपका बैंक खाता है वहां से केवाईसी अपडेशन के नाम पर कोई ईमेल लिंक, कोई कॉल या कोई एसएमएस लिंक आया है? तो आगे की कार्रवाई करने से पहले आप रुक जाइए, क्योंकि ऐसे में काफी खतरा है। तो ये खतरा क्या है और इस खतरे से आपको नुकसान क्या हो सकता है, इस खतरे से आप कैसे बच सकते हैं, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने फर्जी केवाईसी अपडेशन ईमेल लिंक, एसएमएस लिंक या फोन कॉल से आगाह किया है। आरबीआई ने क्यों आगाह किया है, इसके लिए कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। हालांकि ये खबर पुरानी है लेकिन इससे खतरे की गंभीरता को समझा जा सकता है। देखिए, न्यूज 18 हिंदी की हेडलाइन है, केवाईसी अपडेशन के नाम पर बुजुर्ग महिला के अकाउंट से उड़ा लिए 1,00,000, जाने ऐसे मामलों में क्या करें। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी, केवाईसी अपडेट करने के नाम पर 6,00,000 की ठगी, मोबाइल पर भेजा लिंक, क्लिक करते ही निकाले रुपए। एबीपी लाइव की हेडलाइन देखिए, सावधान, केवाईसी के नाम पर एक्ट्रेस समेत एक ही बैंक के 50 कस्टमर से लाखों की ठगी, 40 एफआईआर दर्ज, ऐसे दे देते फ्रॉड को अंजाम। एक बार फिर से दैनिक भास्कर की हेडलाइन देखिए, ऑनलाइन धोखाधड़ी, केवाईसी अपडेट के नाम पर लिंक भेजा और खाते से 3,94,000 रुपए उड़ा लिए। तो इसलिए आपको भी ऐसे फर्जी केवाईसी अपडेशन ईमेल लिंक, केवाईसी अपडेशन एसएमएस या फोन कॉल से सतर्क रहना है। आरबीआई ने इसकी चेतावनी दी है, आगाह किया है। तो आरबीआई ने फर्जी केवाईसी अपडेशन लिंक के बारे में क्या चेतावनी दी है वह पहले जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 13 सितंबर 2021 को जनता को केवाईसी अपडेशन के नाम पर धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया गया था। केवाईसी अपडेशन के नाम पर ग्राहकों के धोखाधड़ी का शिकार होने की लगातार घटनाओं या रिपोर्टों के मद्देनजर आरबीआई एक बार फिर जनता से आग्रह करता है कि वे संभावित नुकसान को रोकने और ऐसी दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतें और उचित देखभाल करें। तो ये आरबीआई ने कहा है आम जनता से। इस तरह की धोखाधड़ी के तौर तरीकों में आमतौर पर ग्राहकों को फोन कॉल या एसएमएस या ईमेल सहित अनचाहे संचार प्राप्त करना शामिल होता है, जिसके माध्यम से उन्हें व्यक्तिगत जानकारी, खाता या लॉगिन विवरण बताने या संदेशों में दिए गए लिंक के माध्यम से अनधिकृत या असत्यापित एप्स इंस्टॉल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस तरह के संचार अक्सर गलत तात्कालिकता पैदा करने और ग्राहक द्वारा अनुपालन करने में विफल रहने पर खाता फ्रीज या अवरुद्ध या बंद करने की धमकी देने की रणनीति अपनाते हैं। जब ग्राहक आवश्यक व्यक्तिगत या लॉगिन विवरण साझा करते हैं तो धोखेबाज उनके खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते हैं और धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं और बैंक ग्राहकों के बैंक खाता खाली कर देते हैं। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामले में जनता को तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in या साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से शिकायत दर्ज करनी चाहिए, आरबीआई ने ऐसा कहा है। पोर्टल के एड्रेस और हेल्पलाइन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा साइबर लुटेरों से अपने बैंक खाते को सुरक्षित रखने के लिए जनता को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी आरबीआई ने कुछ उपाय सुझाए हैं। तो क्या करना है वो पहले जान लेते हैं। केवाईसी अद्यतनीकरण यानी अपडेशन के लिए कोई अनुरोध मिलने की स्थिति में पुष्टि या सहायता के लिए सीधे अपने बैंक या अपनी वित्तीय संस्थान से संपर्क करें। दूसरा, बैंक या वित्तीय संस्थान का संपर्क नंबर या ग्राहक सेवा फोन नंबर केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट या स्रोतों के माध्यम से ही हासिल करें। तीसरा, किसी भी साइबर धोखाधड़ी की घटना होने पर तुरंत अपने बैंक या वित्तीय संस्थान को सूचित करें। चौथा, केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए उपलब्ध तरीकों या विकल्पों का पता लगाने के लिए अपनी बैंक शाखा से बात जरूर करें। पांचवा, केवाईसी के अपडेशन या आवधिक अपडेशन के लिए आवश्यकताओं और चैनलों पर अधिक विवरण या अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया समय समय पर केवाईसी पर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन जरूर पढ़ें। यह
आपको आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आरबीआई की वेबसाइट है, नोट कर लीजिए, www.rbi.org.in। अब बात करते हैं कि अगर आपको ऐसे फर्जी एसएमएस या ईमेल मिलते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए, वो भी जान लीजिए। तो पहला, खाता लॉगिन क्रेडेंशियल, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। दूसरा, केवाईसी दस्तावेज या केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियां अज्ञात या अज्ञात व्यक्तियों या संगठनों के साथ साझा न करें। तीसरा, असत्यापित या अनाधिकृत वेबसाइटों या एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी संवेदनशील डेटा या जानकारी साझा न करें। और मोबाइल या ईमेल पर प्राप्त संदिग्ध या असत्यापित लिंक पर क्लिक न करें। बैंक खाता आपका है, बैंक खाते में आपके पैसे हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है, यानी आपका पैसा आप संभालिए, आरबीआई का यही कहना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको केवाईसी अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है तो कैसे कराएंगे, वो भी जान लीजिए। पहले समय समय पर केवाईसी को अपडेट कराने के लिए बैंक ब्रांच में जाना पड़ता था, लेकिन अब ग्राहक फ्रेश केवाईसी करवाने की प्रक्रिया घर बैठे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन यानी VCIP प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं। आरबीआई ने इसके लिए सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने साथ ही यह भी कहा है कि अगर केवाईसी में कोई बदलाव नहीं होता है तो री केवाईसी को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्व घोषणा के जरिए भी किया जा सकता है। आरबीआई ने सलाह दी है कि ग्राहकों को अलग अलग नॉन फेस टू फेस चैनलों के जरिए भी इस तरह के सेल्फ डिक्लेरेशन करने का ऑप्शन भी दिया जाए। आरबीआई ने कहा है कि अगर ग्राहकों ने पहले ही वैध दस्तावेज जमा कर दिए हैं और अपना पता नहीं बदला है तो उन्हें अपने ग्राहक को जानो यानी केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए अपने बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कैसे करा सकते हैं केवाईसी, वो जान लीजिए। आरबीआई के मुताबिक कस्टमर यह सुविधा देने वाले बैंकों में वीडियो कॉल कर सकता है। कस्टमर वीडियो कॉल के जरिए एक नई केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी कर सकता है। तो कैसे करना है वीडियो केवाईसी, उसकी प्रक्रिया आप जान लीजिए। वीडियो केवाईसी के लिए अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर वीडियो केवाईसी ऑप्शन देखें। अगर वहां यह ऑप्शन उपलब्ध है तो उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपकी वीडियो कॉल को बैंक एग्जीक्यूटिव से जोड़ा जाएगा। वह आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहेगा। ऑनलाइन ही उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आप केवाईसी करा सकते हैं। आरबीआई ने ग्राहकों से केवाईसी विवरण अपडेट कराने के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक से संपर्क करने को भी कहा है। आरबीआई ने कहा है कि एक नई केवाईसी प्रक्रिया तभी शुरू की जानी चाहिए जब बैंक रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की वर्तमान सूची के अनुरूप नहीं हो। अगर पहले जमा किए गए दस्तावेज की वैधता खत्म हो गई है तो नई केवाईसी की भी जरूरत है। कस्टमर को बैंक बुलाने पर जोर नहीं देना चाहिए। आपको बता दूं कि दिसंबर 2022 में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ किया था कि बैंकों को कस्टमर को ब्रांच बुलाने पर जोर नहीं देना चाहिए केवाईसी कराने के लिए। री केवाईसी के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो जान लीजिए। आरबीआई के केवाईसी दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को समय समय पर अपने खाता धारकों के ग्राहक पहचान दस्तावेजों को अपडेट करने की आवश्यकता होती है। आरबीआई ने कहा है कि ग्राहक री केवाईसी करने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ATM, डिजिटल चैनल जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल एप्लीकेशन, लेटर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये केवाईसी क्या होता है। जब आप बैंक खाता खुलवाते हैं तो बैंक आपसे सही सही भरा बैंक खाता खुलवाने का फॉर्म, आपका ताजा फोटो के अलावा आपसे पहचान सबूत यानी आइडेंटिटी प्रूफ और पते का प्रमाण यानी एड्रेस प्रूफ भी मांगते हैं। पहचान और पते के सबूत के तौर पर कई सारे दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। इन दस्तावेजों की सूची आपको बैंक से मिल जाएगी, यही दस्तावेज केवाईसी कहलाते हैं। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। केवाईसी अपडेशन को लेकर आरबीआई की ताजा चेतावनी पर अब क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा, इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो वह भी पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।